सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो रिव्यू है वो है अल्टोस को लेकर के। यहाँ पर अपने पास है इसका एग्जैक्ट वेरिएंट और ये अपना डीजल वाला। बात करेंगे इसके बारे में, एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में, किस प्राइस पॉइंट का आपको ये मिलता है ऑन रोड। ऑब्वियसली मैं ऑन रोड वाले ही प्राइस आपको बताऊँगा। और अभी मैं हूँ टाटा मोटर्स अलीगढ़ में, यहाँ से अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बात करेंगे इसके सभी फीचर्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वैसे ये जो वेरिएंट है आपको डीजल वाला एग्जैक्ट, ये वैल्यू फॉर मनी है। 0 to 100 ऑलमोस्ट 30 सेकंड में ये एक्सेलरेट करता है। इसका जो इंजन है, पावर फिगर की अगर सबसे पहले यहाँ बात की जाए तो ये 89 bhp और अराउंड 200 Nm का टॉर्क इसका जो डीजल इंजन है वो प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कलर अगर आप देखेंगे तो ये हार्बर ब्लू कलर है इसका। टोटल 5 या 6 ऑलमोस्ट कलर इसके ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ फ्रंट में सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इस तरीके की आपको मिलने वाली है नई सी ग्रिल, ऑलमोस्ट पियानो ब्लैक रहने वाली है। और ये यहाँ पर ये डिसेंट साइज़ का आपको टाटा का लोगो साथ में ये टोटल आपको इस तरीके से ऑन द वे थ्रू मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर लाइट की बात की जाए तो ये आपको मिलेगी, ये आपको फोल लैम्प इसकी मिलने वाली है हेलोजन में, और हेलोजन में ही आपको मिलेगी रिफ्लेक्टर बेस, प्रोजेक्टर बेस आपको मिलेगी इसकी हेडलाइट। तो ये कुछ लाइट का सेटअप रहने वाला है। और यहाँ पर आपको मिलेगा इसका कुछ इस तरीके का इंडिकेटर, ये भी आपको हेलोजन में रहेगा। और बाकी इसका जो स्किड प्लेट है वो भी आपको बॉडी कलर ही रहने वाली है। और नीचे में यहाँ पर कुछ इस तरीके की ग्रिल। बोनट लेआउट की बात करें तो वो भी आपको स्लीक डिज़ाइन, थोड़ा सा ये पैटर्न, थोड़ा सा डस्टी हो रखी है गाड़ी। और यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरीके का आपको ये हार्ड प्लास्टिक में रहने वाला है। एक्चुअल में काफ़ी धूल मिट्टी इस वक्त इस पर है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके की नॉर्मल वाइपर और इस तरीके का विंडशील्ड एरिया, काफ़ी एरोडायनामिक जो डिज़ाइन है। और साइड में जो यहाँ से हम देखते हैं इसको, यहाँ से कुछ इसकी जो लाइट का डिज़ाइन है ये काफ़ी स्लीक और काफ़ी यूनिक लगता है। और की बात करूँ तो की फॉब आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, लॉक अनलॉक। यहाँ से अपना इलेक्ट्रिकली आप यहाँ से बूट को भी रिलीज कर सकते हैं। और यहाँ से ये फॉलो मी हेडलैम्प वाला फीचर, तो यही कुछ आपको मिलने वाला है। और अगर आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको वो RBM आपके यहाँ पर इस वाले फीचर्स के साथ मिलते हैं। ये आपको फोल्ड अनफोल्ड लॉक करने पर दोबारा से इस तरीके से बंद हो जाएंगे। तो ये कुछ आपको मिलने वाला है इसके साथ। अभी बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। साइड में हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा वाइट कलर में, लुक्स में तो काफ़ी ठीक लग रहा है, ये अपना इंडिकेटर मिल जाता है फेंडर पर। और यहाँ पर आपको ड्यूल टोन रहने वाले हैं इसके अलॉय व्हील, जो कि आपको मिलेंगे कुछ ग्लॉसी ब्लैक और सिल्वर में, 4 लगनर्स के साथ। आगे डिस्क और पीछे इसमें ड्रम ब्रेक मिलते हैं आपको। और टायर रेशियो जो आपको रहने वाला है वो टायर एक्चुअल में 16 इंच का इसमें मिल रहा है, 185/60/16। तो ये कुछ टायर रेशियो है इसका। आगे आपको कुछ इस तरीके के कॉइल सस्पेंशन मिल जाते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर इसके साथ मिलता है। इधर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको क्रोम मिलने वाली है और ये ग्लॉसी ब्लैक रहने वाला है इसके ORBM आपको। तो ये कुछ इसका हो। और बॉडी कलर ही आपको रहेंगे इसके डोर हैंडल, जो कि काफ़ी ठीक लगता है बॉडी कलर ही। और यहाँ पर ऑल द वे आपको एक पियानो ब्लैक स्ट्रिप मिलने वाला है कुछ इस तरीके का, पूरा हेड टू टो इस तरीके का। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आपको रियर डोर के लिए रहने वाला है एक्सेस। और यहाँ मिलता है इसका फ्यूल टैंक डीजल का, यहाँ से फिल करेंगे फ्यूल, अराउंड 37 लीटर का इसमें फ्यूल आप फिल कर सकते हैं। इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो 37 लीटर की है। तो ये कुछ अपना इसका एक्सटीरियर है। और रियर में बात करें यहाँ पर तो रियर प्रोफाइल में आपको मिलने वाला है साथ में एक वाइपर, डीप फोकर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का एलिमेंट, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देता है। और यहाँ पर अल्टोस की बैजिंग और रिवर्स गाइडिंग कैमरा भी आपको मिल जाता है। और रियर में आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और यहाँ पर नीचे में आपको कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्टर और ये ब्लैक कलर की हार्ड प्लास्टिक में आपको इसकी रियर की स्किड प्लेट। तो ये कुछ रियर का प्रोफाइल है, रियर से भी काफ़ी इसका जो प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और अभी बात कर लें इसके बूट की, यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक एडजस्टेबल पार्सल ट्रे मिल जाता है, इसको आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर आपको रहने वाला है इसका बूट, ये इसका पंचर रिपेयर किट। और यहाँ पर साइड में हम देखेंगे तो हैंगर आपको मिल जाता है दोनों साइडों में, और लैम्प भी आपको मिलता है साथ में, तो ये भी अच्छा है। और इधर में इसका नीचे में मिलेगा आपको इसका स्पेयर व्हील,
जो आपको रहने वाला है 14 इंच का। तो ये गड़बड़ा छोटी सी, सेम साइज़ का स्पेयर व्हील होना चाहिए, नहीं है, मगर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इस तरीके का आपको ये ग्रैपिंग वगैरह यहाँ पर अच्छे से लॉक करने के लिए, और इधर में आपको इस तरीके का एक ये ग्रैप करने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ अपना बूट है इसका, बूट साइज़ की बात अगर मैं करूँ, 345 लीटर का बूट यहाँ पर इसमें अल्टोस के साथ आपको मिल जाता है। अभी बात करते हैं इसके रियर सीट्स की। रूफ़ की बात करूँ तो रूफ़ भी आपको काफ़ी फ्लैट रहने वाली है, और रूफ़ पे एक रेडियो एंटीना आपको मिल जाता है। तो रियर सीट में हम देखें यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके का डोर पैनल आपको रहने वाला है, ब्लैक एंड ग्रे कलर का आपको इसमें रहेगा इंटीरियर। साथ में यहाँ पर ये सॉफ्ट टच और ये आपको फैब्रिक रहेगा, कोई लेदराइज नहीं है। यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट, टोटल आपको 6 स्पीकर का भी सिस्टम मिल जाता है, पावर विंडो का स्विच, और फैब्रिक में यहाँ पर आपको रहने वाली कुछ इस तरह की सीट्स, काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, और 3 सीट बेल्ट, और दो एडजस्टेबल आपको एडजस्ट मिल जाते हैं इसमें। तो ये कुछ अपना रहने वाला है, और साथ में एक आर्म रेस्ट यहाँ पर मिल जाता है जो कि अच्छा है। कप होल्डर वगैरह आपको इसमें नहीं मिलता, 2 कप होल्डर भी लगा देते इसमें तो ठीक था, बट नहीं है। तो ये कुछ है रियर सीट्स, अभी बैठ के देखते हैं इसमें। यहाँ पर बात करूँ मैं नी रूम की, तो ठीक ठाक अमाउंट में आपको मिल जाता है, लेग रूम भी ठीक है, और इधर में आपका थाई सपोर्ट ये भी काफ़ी आपको ठीक मिल जाता है। 3 लोगों की प्रॉपर सीटिंग की बात की जाए तो काफ़ी गाड़ी जो है अंदर में काफ़ी स्पेस है, तो 3 लोग भी इजीली इसमें सफ़र कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं होने वाली। इधर में आपको ग्रैब हैंडल, साथ में ये हैंगर वगैरह मिल जाते हैं रियर पैसेंजर के लिए, और साथ में यहाँ पर ये 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिलेगा, यूएसबी टाइप, और ये एसी के वेंट, ये इसका फ्लो कम ज़्यादा करने के लिए। तो यहाँ ब्लो भी मिल जाता है आपको, और सीट्स पे इस तरीके की सीटिंग यहाँ पर, और डोर्स पे आपको बोतल होल्डर भी मिल जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो एक्चुअल में जो चाहिए रियर पैसेंजर को, वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। और यहाँ से कुछ इस तरीके का रहने वाला है फ्रंट कैबिन, तो अभी कैबिन की बात करेंगे आगे से। यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर साइड भी आपको रहने वाला है सेम डोर पैनल, पावर विंडो का स्विच अपना, और यहाँ पर कुछ इस तरीके के टेक्सचर के साथ मिलेगा आपको हैंडल अपना डोर अनलॉक करने के लिए, स्पीकर वगैरह। और यहाँ पर देखेंगे सीटिंग में आपको रिक्लाइन और रीच का ही ऑप्शन मिलने वाला है को ड्राइवर साइड, और ये कुछ रहने वाला है। और यहाँ पर बात करते हैं इसके ग्लोव बॉक्स की, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा काफ़ी बड़े साइज़ का, और इसमें काफ़ी अच्छे खासे कैबिनेट्स बने हुए, ऊपर भी आप फाइल रख सकते हैं, लैम्प भी आपको मिलने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा आपको बड़े साइज़ का मिलने वाला है, काफ़ी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर इस तरीके के आप ये मैनुअल, यूज़र मैनुअल पड़ा हुआ है, कप होल्डर भी आपको मिल रहा है, अगर आप कहीं खड़ी करते हो तो आप छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर प्लेस कर सकते हो कप वगैरह। और यहाँ पर देखेंगे ड्राइवर साइड आपको मिलने वाला है रिक्वेस्ट सेंसर, और अभी ड्राइवर साइड डोर पैनल की बात करूँ तो ये भी आपको सेम रहने वाला है, यहाँ पर ORBV कंट्रोल, पावर विंडो के स्विच, 1 टच अप डाउन मिलेगा ड्राइवर साइड, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, बोतल होल्डर वगैरह, और यहाँ पर आपको मिलेगा ये रिक्लाइन और अपना हाइट के लिए, और साथ में यहाँ से रीच के लिए। तो ये कुछ रहने वाला है अपना ड्राइवर साइड सीटिंग का, और सीट भी काफ़ी आपको यहाँ पर अच्छी खासी चौड़ी और कम्फी सीट मिल जाती है। साइड में हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रैब यहाँ पर आपको मिलती है, जिससे आप इजीली लॉन्ग ड्राइव करें तो उसमें भी, और थोड़ा सा अगर आप कहीं रफ ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सपोर्टेबल रहती है। तो ये कुछ सीटिंग का है, और यहाँ पर हम देखते हैं अब इसमें अंदर में, यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको मिलेंगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है, वॉल्यूम के कंट्रोल, वॉइस कमांड, अपना कॉल वगैरह रिसीव करने के कंट्रोल, और यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरीके का ये टाटा का लोगो, लगाओ इसको ज़रा सा टेप वगैरह रैप्ड, इधर में आपको इस तरीके के वाइपर, और यहाँ पर आपको मिलेगी नॉर्मल हेडलाइट, और इधर देखेंगे 7 इंच का आपको मिलने वाला है हरमन का टच स्क्रीन, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बीच में अपना ये हैजार्ड का स्विच, यहाँ पर भी आपको एल्टोस लिखा हुआ मिलेगा, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है लुक्स में, एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो, ये अभी इस तरीके से, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक AC, और साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और ये भी काफ़ी
यूनिक है इस तरीके का लॉक, वरना वो वाला आता है कहीं पे जो कि आपको खोलना लगाना पड़ता है, यहाँ पर ये इस तरीके से बंद भी हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर अपना एसी के स्विच वगैरह आपको मिल जाएंगे, और इधर में आपको मिल जाएगा इस तरीके का डे नाइट वाला। यहाँ पर रीडिंग लाइट आपको मिलने वाली है एलईडी में। इधर में अपना ये आपको मिलेगा सनग्लास होल्डर, माइक वगैरह, कोडाइवर साइड मिलेगा आपको, सन वाइजर पे वैंटी मिरर, ग्रैब हैंडल, साथ में यहाँ पर टिकट होल्डर ड्राइवर साइड, और यहाँ पर डैशबोर्ड का डिज़ाइन आपको काफ़ी प्रीमियम लगने वाला है। पिलर्स पे भी आपको स्पीकर मिल जाते हैं, दो स्टैंडर्ड ईयरबैग इस वाले वेरिएंट में आपको मिलते हैं। और सेफ्टी से बात की जाए सेफ्टी की, तो यहाँ पर आपको इसमें ABS और EBD और ESP जैसे और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स इस वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं। साथ में आपको दो स्टैंडर्ड ईयरबैग और ग्लोबल एंड कैप में 5-स्टार रेटिंग इस गाड़ी को मिली हुई है, तो सेफ्टी के मामले में तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी आई। इधर देखेंगे तो 5 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस, आपको वॉलेट वगैरह फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको, और एक छोटा सा स्लाइडिंग आर्म रेस्ट मिलता है, मगर ये आपका जो है खुलता भी है, हाँ थोड़ा सा स्पेस इसमें यहाँ पर भी मिलेगा आपको, तो ठीक है। और ये सिल्वर टिप के साथ आपको हैंड ब्रेक, तो ये कुछ इसका फ्रंट का कैबिन है। ये यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको शैम्पेन कलर में रहने वाला है। इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन यहाँ पर तो काफ़ी प्रीमियम सा यहाँ पर लगने वाला है। तो गाइस यहाँ पर आपको रहने वाला है इसका डिजिटल अपना क्लस्टर, सेमी डिजिटल टाइप को मिलेगा बीच में, ऊपर यहाँ पर आप MID में देखेंगे तो ये भी आपको मिलने वाली कुछ इस तरीके की। काफ़ी लुक्स इसके आपको यहाँ पर प्रीमियम से रहने वाले हैं। ऊपर आपको फ्यूल गेज, नीचे आपको ट्रिप वगैरह मिल जाएगा, एवरेज स्पीड यहाँ से अपना ट्रिप वगैरह चेंज कर लेंगे, ट्रिप ए ट्रिप बी, डिस्टेंस टू इम्पेडी, और अपना टेम्परेचर, टायर गेज और ये सारी चीज़ें, एवरेज वगैरह, तो वॉच वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगे आपको। इधर में अपना RPM मीटर और स्पीडोमीटर, और यहाँ पर देखते हैं इसका अपना टच स्क्रीन। यहाँ पर इसका रिस्पांस काफ़ी ठीक ठाक आपको मिलने वाला है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये वायरलेस आपको मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक इसका टच रिस्पांस है, और इसकी ब्राइटनेस भी आपको ठीक ठाक ही मिलने वाली है, कोई इश्यू इसमें नहीं आने वाला। अभी इस धूप बहुत तेज़ है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको देखने में डलनेस आ रही होगी। और इधर मैं बात कर रहा था जिस एम्बिएंट लाइटिंग की, वो कुछ आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की दिखने वाली है, तो काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर इसका कैबिन आपको फ्रंट में मिलने वाला है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके इंजन बे की, काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको मिलने वाला है। रेवरटोन 1.5 लीटर का आपको डीजल इंजन इसमें मिलता है, 3 सिलेंडर, तो कुछ इस तरीके का आपको इंजन बे, बैटरी वगैरह की प्लेसमेंट अपना यहाँ पर आपका मिलेगा आपको, फ्यूज़ बॉक्स, एयर फिल्टर, ब्रेक ऑयल वगैरह, और यहाँ पर अपना रेडिएटर वगैरह, बट यहाँ पर आपको नीचे में नहीं मिलता इसमें इंजन गार्ड, होना चाहिए सभी गाड़ियों में अब होना चाहिए इंजन गार्ड, क्योंकि स्लज वगैरह से आपकी इंजन को प्रोटेक्ट करता है, वो नीचे से रस्ट वगैरह से आपको बचाता है, तो ये कुछ इसका इंजन भी रहने वाला है। काफ़ी अच्छे से इंसुलेटेड आपको डैम मिलेगा, ये कोई भी अंदर केबिन में नॉइज़ वगैरह रिड्यूस करता है, कहीं भी आपको कोई खास वो नहीं लगने वाला। और जहाँ तक चलने की बात है, गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया तरीके से चलती है, स्टेबल तरीके से, और इसमें कोई भी आपको माइलेज भी काफ़ी ठीक ठाक आपको मिलता है इसमें। तो ये कुछ थी अपना एग्जैक्ट डीजल वाली। और अभी बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो ये आपको ऑन रोड UP के अंदर जो है 11,20,000 रुपये का आपको ये वाला वेरिएंट ऑन रोड UP में पड़ने वाला है। और आप किसी अदर स्टेट से वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने स्टेट वाइज जो है टैक्सीज के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं प्राइस। तो अभी करते हैं वीडियो क्लोज। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।